अच्छा वो गाड़ी मेरी नहीं थी, मेरी गाड़ी जैसे सेम गाड़ी है पर भी थी। तो गाइस यहाँ पर अभी खड़े हो गया, मैं बम फाड़ता हूँ अभी सब कॉलेज लोगों की बैंड बजाता हूँ। ओ भाई साहब वो पूरी धरती उड़ा दी। मेरा ठोकरा था यहाँ पर आने के बाद जो है ना, इसने फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करी है ना, वो तेरी भाई साहब तो खोल नहीं रहा था गेट। ये जो भाई गैंग का जो बंदा है ना, असल में जो पूरी गैंग को कंट्रोल कर रहा था, अभी कुट लगाने वाला है, देखते भाई क्या सीन होने वाला है। क्या कितना बड़ा जबरदस्त एरिया बना हुआ, सारी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ओ भाई साहब ये देखो, अब ये असल दिखाया गया, ये देखो। ओ तेरी भाई, ये देखो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी सिटी है। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोपहर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। गाइस ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि आज की इस मिशन के अंदर हम जो है एक गांव से निकल के एक शहर के अंदर जाने वाले, क्योंकि GTA 5 के अंदर आप सभी को मालूम होगा काफी ज्यादा टाइम हो गया, यानी कि कम से कम भी 10 से 15 मिशन अभी तक हमने ऐसे कर लिए जो बाइकर गैंग के लगातार आए जा रहे हैं। यानी कि बाइकर गैंग को छोटी मोटी गैंग नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ी गैंग है। तो गाइस आज बाइकर गैंग का पूरा हम दी एंड करने वाले, यानी कि इसके बाद बाइकर गैंग का एक भी बंदा बंदा नहीं बचेगा। क्योंकि आज का जो मिशन है, जिसको हमने चाइनीजों से हमने जो बात करी थी, चाइनीजों ने बोला था कि अभी मेरा ओनील का जो फार्म हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्ट्रॉय करा था, वो आपने वीडियो देख ली होगी। तो गाइस हमने जो उसके फार्म को डिस्ट्रॉय करा, उसके बाद जाके हमने क्या करा था कि सीधा गए और उन्होंने मेरे को चाइनीजों ने बोला कि भाई मेरे को एक और बंदे की लोकेशन मालूम है जो इन लोगों का मेन अड्डा जहाँ पर है, यानी कि इनकी जो गैंग को कंट्रोल कर रहा है उस बंदे का मेन घर बता दी। और उसका जो घर का सिटी के अंदर यानी शहर के अंदर बना हुआ है, और ये जो लोग रह रहे हैं ये गाँव के अंदर रह रहे हैं। तो गाइस आज हम बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेवल करके जो अपने शहर के अंदर जाने वाले हैं। तो यानी कि एक सबसे पहले तो हम एक अड्डे पे जाएंगे जहाँ से पूरी बाइकर गैंग को खत्म करेंगे। काफी जगह इन लोगों ने जो है ना टैंकर लगाए हुए, टैंकरों के अंदर बड़ी बड़ी टैंकरों के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। तो गाइस इन सारे टैंकरों को ब्लास्ट करेंगे और भाई यहाँ से जाएंगे सीधा हम अपनी सिटी की तरफ, और सिटी के अंदर जाने के बाद जो इन लोगों का मेन जो यानी कि बंदा है उसको भी किल करेंगे, ताकि बाइकर गैंग का एक भी नामो निशान नहीं रहे। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लेंथी होने वाली है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की चैनल की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और गाइस अभी फटाफट से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अभी मैं यहाँ पर आया हुआ था शोरूम के ऊपर, और सॉरी शोरूम के ऊपर नहीं, यहाँ पर मैं क्लब के अंदर आया हुआ था। और यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, मोटा जो गार्ड खड़ा हुआ, इसने मेरे से पंगा कर लिया था, तो बहुत कूटा साले को। और गाइस ये जगह भी जो है बिक्री, यानी कि प्रॉपर्टी, इसको मैं परचेज करने वाला हूँ, लेकिन अभी परचेज नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा पेमेंट का भी मसला है, क्योंकि मेरे को आगे किसी को देनी भी है, क्योंकि मैंने जो है एक से उधार भी लिया हुआ था, तो उसको मेरे को सबसे पहले उधार भी उसका क्लियर करना है। उसके बाद गाइस मैं आज सबसे पहले तो आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी क्या करने वाला। तो गाइस आज फाइनली हम जो अपने GTA 5 के अंदर बाइकर गेम डिस्ट्रॉय करने वाले, और बाइकर गैंग आप सभी को मालूम है, सबसे पहले तो ये हमारा घर है। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा अपने घर के ऊपर, और घर पे जाता हूँ और फटाफट से मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। ये मेरा हमारा ओल्ड हाउस, अभी न्यू हाउस हमारा आने वाला है। न्यू हाउस का बनने वाला है, यानी कि इस मिशन के एंड के अंदर हमें एक न्यू हाउस मिलने वाला है, जो कि वो प्रॉपर्टीज हमारी होने वाली है। और वो प्रॉपर्टीज किसकी होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जब तक मैं लेके जा रहा हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी को, लैम्बोर्गिनी का ले आते मैं आपको कुछ बात जो डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा घर दूर है उतनी ज़्यादा मैं बात आराम से आपको क्लियर कर दूंगा। तो गाइस अभी हम इस मिशन के अंदर फाइनली आज जो GTA 5 के अंदर बाइकर गैंग, जितनी सबसे बड़ी जो गैंग थी बाइकर गैंग, उसका अभी हम फाइनली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद GTA 5 के अंदर अभी तक कोई आने वाले फ्यूचर के अंदर भी कोई बाइकर गैंग का बंदा पैदा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी बाइकर गैंग को ख़त्म कर दिया, जितनी बड़ी बड़ी इन लोगों की गैंग थी। अभी तक हमने 7 से 8 वीडियो अभी तक ऐसी बना ली जिसके अंदर हम बाइकर गैंग को डिस्ट्रॉय करने में लगे। भाई कहीं ना कहीं से बाइकर गैंग कहीं ना कहीं पैदा हुई भी होती है, किसी छोटे मोटे अड्डे के अंदर या किसी छोटे मोटे टैंकरों के अंदर। तो गाइस बाइकर गैंग का सारा अड्डा जो ख़त्म ही होता है। गाइस आज जो वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं बहुत ही बड़े अड्डे के ऊपर, जो लास्ट के अंदर इन लोगों का बाइकर गैंग का जो अड्डा बचा वो उसी जगह पे होने वाला है। तो यानी कि टैंकरों के अंदर छुपके बैठे हुए हैं, छुपके नहीं बैठे हुए, मतलब इन लोगों का टैंकरों के अंदर रह रहे हैं लोग, राज कर रहे हैं बड़ी दुनिया के ऊपर ही। GTA 5 के अंदर पूरे में राज कर रहे हैं, क्या करते हैं लोगों को मारा कुटी करते हैं। तो गाइस हमें हमार को वैसे भी इनके ऊपर खा रहे हो, इन लोगों ने मेरे को काफ़ी परेशान किया, तो इसी वजह से गाइस मैं जो रहा इनको जो है आज डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। और भाई इनका जो असल जो मेन जो इनकी गेम को जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो बंदा भाई बेसिकली यहाँ पर रहता ही नहीं है। मेरे को बाद में पता चला, तो मेरे को जो चाइनीज़ों ने बताया ना पिछली वीडियो के अंदर, कि उन्होंने बताया कि इन लगा जो है ना मेन जो बंदा जो इनकी पूरी गैंग को कंट्रोल कर रहा है, वो असल में यहाँ पर रहता ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई कहाँ रहता है वो, कौन है जो पूरी बाइकर गैंग को कंट्रोल कर रहा है, इतनी बड़ी गैंग है, जगह जगह इन लोगों के अड्डे बने हुए। तो गाइस मेरे को उन्होंने बताया कि भाई ये जो है ना शहर के अंदर रहता है, जो कि मायाकर के करीब एक घर लगता है, मायाकर के करीबी के अंदर एक एरिया है, वहाँ पर ये रहता है। तो हमने मतलब पूरी लोकेशन वगैरह ले ली है। तो गाइस अभी हम जाएंगे सीधा, सबसे पहले तो पूरी बाइकर गैंग का यहाँ पर जो इन लोगों का आखिरी जो अड्डा है इसको हम खत्म करेंगे। इसके बाद खत्म करने के बाद एंड के अंदर हम जाएंगे सीधा रोन को लेकर जाऊँगा, सॉरी रोन नहीं, मेरा जो घर का मालिक है
ओ मालिक बोल रहा हूँ भाई, मेरा घर का जो गार्डनर है उसको लेकर जाऊंगा और वहाँ पे उसके साथ जाने के बाद मैं क्या करूँगा। तो गाइस अभी देखते हैं, अभी यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले तो गार्डनर से मिलने आ रहा हूँ, क्योंकि गार्डनर ने मेरे साथ जो है ना हरामपाई कर दी है। तो देखते हैं गाइस, गार्डनर जो है ना असल में बाइकर गैंग के साथ मिला हुआ, इसको असली लोकेशन मालूम है, क्योंकि चाइनीजों ने बताया कि तुम्हारा बंदा जो है ना इसी के साथ मिला हुआ। तो अभी मैं जो अपने गार्डनर को ढूंढना आया, ये देखो ये रहा यार, तेरी में भूत किनारे कहाँ भाग रहा है, वो देख के भाग भी रही है। अबे ये रहा यार, तेरी में छुपका रहा है, वो कॉल करके इसको बोल रहा है कि ये यार तेरा बाप ऊपर खड़ा हुआ। गाइस देखते हैं अभी क्या बोलने वाला, अभी इसे कुट लगाने वाला है भाई ये। तो देखते हैं इसको कुट लगती है, और अभी इसको मैं ऊपर बुला रहा हूँ, आ जा बेटा तू ऊपर आ जा। ओ तेरी भाई साहब, तेरे में चूतिया साला, इनने क्या करा था कि भाई यानी हमारी जात जो है इनने गद्दारी करी है, बाइकर गैंग के साथ मिला पड़ाई है और यहाँ पर चुपचाप से मेरे साथ रहने में लगा। और बाइकर गैंग को सारी ये बोलोगे, सारी बाइकर गैंग को मेरा घर कहाँ से पता चल गया था यार, ये उन्होंने क्या करा, मेरे पूरे घर की बैंड बजा दी, मेरे घर में घुस के सोफे वोफे सब कुछ तोड़ दिए, सारी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ मतलब जितना भी मेरे रूम की हालत खराब कर दी, सारा बाथरूम वाथरूम सबकी रेड मार दी। ये बोलो साले इनको लोकेशन कहाँ से पता चल गया, जब भी मैं थोड़ा टेंशन के अंदर था, मेरा साला आप पता चला कि इस कंजर के काम थे कि इसमें जो है ना बाइकर गैंग के साथ मिला हुआ था, तो इनको चाइनीजों ने बता दिया उन्होंने। तो गाइस अभी तक अभी हम ये सोचते रहे साले इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। गाइस असल में ये पैसे की लालच के अंदर जो है ना इन लोगों का बाइकर गैंग का जो मेन जो बंदा जो सिटी के अंदर रह रहा हूँ वहाँ से ही क्या कर रहा, पैसे वगैरह ले रहा और उसी के साथ मिलके काम करने वाला और हमारे साथ गद्दारी कर रहा। तो गाइस अभी ये जो है असल लोकेशन के ऊपर लेके जाएगा, और अभी ये देख तेरी में भूत मिला होगा गाइस, टेबल गुस्से के अंदर बहुत मारा जा रहा है इसको। तो गाइस अभी ये लेके जाएगा इन लोगों के अड्डे के ऊपर, जिनका अड्डा बचा है, और यानी कि जो लास्ट अड्डा जो बचा है उनके पास लेकर जाएगा, और दूसरी बात जो है हमें लेकर जाएगा ये सीधा। और यार रोन सामने ऐसा निकल कर बाहर आ गया, वो भी देख रहा शोर शराबा कहाँ से हो गया। तो ये बोल रहा अभी आ रहा हूँ आपसे इसको थोड़ा सुधार कर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीधा ये इनके अड्डे में लेकर जाएगा, और उसी बंदे के पास लेके जाएगा जो भाई शहर के अंदर रहने में लगा हुआ है मज़े से। तो उसकी भी एंड के अंदर डेट करने वाले हैं, अभी टेंशन नहीं है, और उसकी भी एंड में मार लगाने वाले हैं। तो अभी इसको लेकर जाता हूँ, ये बताएगा लोकेशन कहाँ पर है। तो चल मेरा भाई इसको, ओ भाई किटिंग में छोकरा ने जबरदस्त करी हुई यार, साला नाक वाक सब कुछ छिदवाई भी, ऐसा लग रहा है लड़की की टक्कर पर उतर रहा है। बोला गो टू द ट्रेलर पार्क। तो गाइस यहाँ पर अभी हम जाते हैं सीधा, मैंने आपको बोला था टैंकर के अंदर ये लोग छुप के रहने। और गाइस अभी इसी नई लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठ के जाता है, साले भूतने वाले को तो वैसे मैं फटफटी कार के अंदर बिठा था, लेकिन आज ये खुश नसीब है कि मैं गुस्से के अंदर इसको बिठा के लेके जा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी के अंदर। तो इसको मैं इसका टायर को भी हाथ लगाने देता हूँ इसको। तो गाइस अभी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर चल रही है, गुस्से के अंदर भगा रहा हूँ ना, तो गाड़ी भी एंटी चल रही है अभी हमारी। तो यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा मैंने भाई थोड़ा दिन निकाला है, दिन का वेट करा है, रात हो रही ना, रात के अंदर बाइकर गैंग के पास जाऊँगा ना मज़ा नहीं आएगा, रात के अंदर मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता बाइकर गैंग के पास जाने के लिए। तो दिन के अंदर जब फाइटिंग होती है ना वो बात ही अलग होती है भाई। तो यहाँ से दूर नहीं है भाई, थोड़ा करीब ही है इसी रोड के ऊपर सीधा है, राइट साइड पर अगर हम जाएंगे तो भाई हमारा बाइकर गैंग वाले मिल जाएंगे लोगों के। अभी आज मैं फाड़ने वाला हूँ, तो अभी सबर करो जरा, बड़ी स्पीड में जा रही यार गाड़ी अभी ना, तो ड्राइव करने के बहुत मज़ा आ रहा है, अभी गुस्से के अंदर हो रहा था वो भाई, बड़ी जल्दी लगी हुई है। और हमारे पास वेपन्स की कमी तो है ही नहीं, वेपन हमारा बहुत है और काफ़ी ज़्यादा भाई हैवी वेपन्स पड़े हुए हैं, और अगर एक दफ़ा हंसते चढ़ गए ना इन लोगों की ऐसी फाड़ूंगा ना वापस पंगे नहीं करेंगे, बाइकर गैंग का एक भी बंदा पैदा नहीं होगा, इन लोगों की सील लगा के फाड़ने वाला हूँ, टेंशन लेनी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी आ गई, और गाड़ी देख रहे हो कैसी चमचमा रही है, ओ भाई 0 मीटर हो रही है, ओ ज़बरदस्त। तो गाइस यहाँ पर ये रह रहे हैं, चल मेरा भाई यहाँ पे, ओ रात हो गई, अबे रात का सीन तो बेकार था यार। चलो शुक्र है कि भाई हमारे पास जो सुबह तक का सीन दिखाया है इन लोगों ने, रात का पूरा सीन गुजार दिया। और ये बाइकर गैंग यहाँ पे मज़े से रह रही है, अपनी गाड़ियाँ वगैरह ठीक कर रही है, बाइकर गैंग वाले साले बाइक के ऊपर बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ, ये गाड़ी वाला गाड़ी में बैठ के इंजॉय कर रहा है ये। तो गाइस ये बोल रहा है प्लांट द स्टिकी बॉम्ब ऑन द ट्रेलर। तो गाइस जो हमारे पास स्टिकी बॉम्ब है यहाँ पर इनके पास लगे हुए 5 टैंकर्स लगे हुए, सॉरी टैंकर मतलब कह रहा हूँ, वैसे इन लोगों का ट्रेलर लिखा हुआ है, मैं इसको टैंकर कहूँगा क्योंकि मेरे को टैंकर टाइप का लगता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्टिकी बॉम्ब निकाल दिया, मेरे पास स्टिकी बॉम्ब आ गया, और मैं एक एक करके इन लोगों के टैंकर के ऊपर स्टिकी बॉम्ब को फिट करूँगा, और लास्ट के अंदर एक बटन दबाऊँगा जिससे इन लोगों के टैंकर की बैंड बजने वाली है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ टैंकर इन लोगों का कहाँ पर है। तो ये टैंकर नहीं है टैंकर, ये देखो ये लगा हुआ सामने इन लोगों का ट्रेलर लगा हुआ है, और इसके अंदर मैं जल्दी से बॉम्ब स्टिकी बॉम्ब को फिट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने पहले लगा दिया, जिसके अंदर से मैप के अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बंद हो गया, और एक बाइकर गैंग का बंदा भी कहीं बाहर घूम रहा था, वो रेड कलर का शो करा रहा, छुप के देखता हूँ कहाँ पर है साला ये। तो मैं वो स्नैपर निकालने पड़ेगी, स्नैपर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्नैपर से बोरा बोरा तेरी में भूतनी वाले आ जाओ दोनों। ओ ये देख रहा है ये कहाँ से आ गया, ओह भाई दोनों को टपका दिया, अभी और कहाँ है, अभी ये साला देख रहा कहाँ पर है, मरा भी नहीं था ये तो बच गया, अभी ये जिंदा तो नहीं बचा, तो एंड कर दिया इसको हमने। तो अभी थोड़ा फटाफट से जल्दी से आगे आते हैं, और बाइकर गैंग का एक भी बंदा मेरे को देख लेगा ना पूरी गैंग को जो है ना अलर्ट हो जाएगी, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर एक टैंकर के अंदर यहाँ पे लगा दिया, और अभी एक और बंदा इन लोगों को कहीं से बाहर आया, तो चेक करता हूँ ये बाहर कहाँ से आया साला ये।
तो यहाँ से भाई चुपचाप से खड़े होते मेरे को देखना पड़ेगा, मेरी लैम्बोर्गिनी वहाँ पे खड़ी है भाई। वहाँ से साला कोई ले नहीं जाए, इन लोगों का बंदा बोलेगा यार ये नई गाड़ी कौन लेकर आया यहाँ पर, वो ले रहा तेरे में साला पौधों को पानी डाल रहा है क्या ये, तो जिसको ये पानी डाल रहा है तेरे को बताता हूँ तेरे में आ जा। ओ भाई इसको टपका दिया, और कौन है, और कौन है, अबे मेरे के अंदर नज़र तो आ रहा साला ये। ओ भाई ये फायरिंग करिए ना इसमें, आवाज चल गई सारी गैंग बाहर आ गए, अब उठकर गैंग बाहर आ गए भाई, अबे बहुत सारे बंदे बाहर आ गए, इन लोगों के गैंग अलर्ट हो गई गाइस, यहाँ पे इन लोगों को चुन चुन के मारना पड़ेगा एक एक करके। आओ मेरे ऊपर कौन फायरिंग कर रहा, तेरी में आजा 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 तेरी भूतनी वाले, वो रहा तू कहाँ भाग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मेरे को स्टिक बम लगाना पड़ेगा फटाफट से, गाइस मैं यहाँ पर अपना काम चलाऊंगा। अबे साले मेरे ऊपर बम मार रहे हैं, अबे यार अबे फिट हो जा, अबे कहाँ से आ गए इतने सारे हैं, तो आजा आजा अबे मेरे ऊपर फायरिंग करे कर जा रहे, तेरी में आजा गंजे आजा, अबे सारी गंजे ही तो एक के ऊपर भी सर के ऊपर बाल नहीं है, जिसके सर पे बाल है ना उसको जो छोड़ना रहा नहीं हो, आजा तेरे सर पे बाल तो तेरे को बताता हूँ आजा। यहाँ पर से मैंने एक चीज़ नोट करी है, जिसके सर पे बाल नहीं है जितने भी गंजे हैं सारों ने ब्लैक कलर के कोट पहने हैं, बाकी नॉर्मली जिसके सर के ऊपर बाल हैं उन लोगों ने क्या करा है, नॉर्मली जो कपड़े पहनते हैं तो वो सारे कपड़े उन लोगों ने पहन रखे हैं, और बाकी जो गंजे हैं ना उन लोगों ने सारों ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। तो गाइस यहाँ पर अभी टैंकर के ऊपर बॉम्ब फिट करता हूँ, याले के ऊपर फिट करना पड़ेगा अभी गाइस, इनका दो टैंकर रहेगा और अभी हमारे पास ही रहेगा लास्ट टैंकर, अभी इसके ऊपर बॉम्ब फिट करता हूँ और सारे को डिस्ट्रॉय करूँगा। डिस्ट्रॉय भाई यहाँ पे खड़ो के नहीं करूँगा, थोड़ा दूर जाके करूँगा, क्योंकि मैं जो है ना लैम्बोर्गिनी के ऊपर खड़े होकर नज़ारा देखना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या लोकेशन लुक आता है इन लोगों का। तो गाइस जी का बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो अभी यहाँ पर हमारे सारे बॉम्ब एक्टिव हो जाएंगे और सारे एकदम ब्लास्ट होंगे। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगा सीधा अपने लैम्बोर्गिनी के पास, यहाँ पे अगर करूँगा ना तो मैं खुद भी फट जाऊँगा भाई, ये पूरे टैंकरों के अंदर चारों तरफ जो हमने स्टिक बम फिट करे हुए इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी कहाँ गई मेरी, ओ मेरी गाड़ी तो भाई यहाँ पर लेकर आया हुआ मेरा बंदा, तो गाड़ी तो मेरी यहीं पर ही खड़ी है, लेकिन मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ है भाई, लैम्बोर्गिनी सामने खड़ी हुई नज़र आ दी यहाँ एरी एरी भाई, मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी कहाँ चली गई, महंगी गाड़ी है, अच्छा वो गाड़ी मेरी नहीं थी, मेरी गाड़ी जैसे सेम गाड़ी यहीं पर भी थी। तो गाइस यहाँ पर अभी खड़ो गया, मैं बम फाड़ता हूँ अभी सब कॉलेज लोगों की बैंड बजाता हूँ। ओ भाई साहब वो पूरी धरती उड़ा दी इन लोगों की, तो वे सारे टैंकर उड़ा दिए। तो गाइस बोला रिटर्न टू द वेड्स, तो गाइस वेड को पकड़ते हैं और वेड भाई इसके अंदर बैठा हुआ है, वेड बैठा हुआ है इसके अंदर, ठीक है बोला गो टू द लेफ्ट सेंटर। तो गाइस अभी फाइनली हमने पूरी गैंग को इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इनके हम बंदे के पास जा रहे हैं जो मेन गैंग जो कंट्रोल कर रहा है इनके पास अभी जाते हैं, और इनके पास नहीं सॉरी इसके पास जाते हैं, क्योंकि वो अकेला बंदा है जो पूरी गैंग को कंट्रोल कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है अमीर बंदा होगा जो सिटी के अंदर रह रहा है, और भाई सिटी की आपको पता प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, तो डॉलर के अंदर भी उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो गाइस यहाँ से निकलता हूँ, और भाई ये लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है, करीब तो है ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दूर है ये लोकेशन जो है ना शहर की। तो गाइस आज जो है ट्रेवर फर्स्ट टाइम भाई गांव से निकलते एक शहर के अंदर जाने वाला, देखते हैं भाई ट्रेवर का चार्ज यानी कि इसका लोकेशन ट्रेवर का मतलब क्या सस्पेंस होने वाला है कि भाई हम जो है एक गांव से निकल के शहर के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके एक घर के ऊपर कब्जा करेंगे, वहीं पर ही अभी हम अपना राज जमाने वाले हैं, कि गांव के अंदर हमने जो बदमाशी करनी थी बहुत कर लिए गए। यार कहाँ फंस गई साली ये, अबे तेरी में यार झुके भाई झुके जा रही है साली जो है ना ये। पूरी लैम्बोर्गिनी की बैंड बजा दी गाइस हमने। तो गाइस यहाँ पर अभी हम आ गए मेन रोड के ऊपर, फटाफट से यहाँ से ड्राइव करता हूँ सीधा जाते हैं, और अभी हम जाएंगे भाई अभी लोकेशन को करीब में समझ लेना, अभी आपको जो मैप के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर सीधे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि अभी हम शहर के करीब पहुँचने में 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन शहर के अंदर से भी जिस जगह पर हम जाएंगे उसकी अलग लोकेशन बाद में शो कराएगा। तो सबसे पहले तो अभी हम जा रहे हैं एक पहाड़ के ऊपर, और शहर को हम दूर से खड़ो के देखेंगे भाई क्या लुक नज़र आने वाला है। तो ये जो लोकेशन अभी लिखी हुई है ये बेसिकली जो है शहर के हम यानी कि सिटी जो होता है उसी के पहाड़ों के ऊपर खड़ो के देखेंगे, मतलब ये सिटी दिखती कैसे है, क्योंकि अभी ट्रेवर रह रहा है अभी गांव के अंदर एक विलेज के अंदर रह रहा है, और अभी इसको कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब कैसा गांव किस टाइप का होता है, गांव तो इसको पता किस टाइप का होता है, सिटी किस टाइप की होती है इसको ये नहीं पता, फर्स्ट टाइम जा रहा है इसका अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो गाइस अभी देखते क्या यानी क्या सीन होने वाला है यहाँ पर। तो अभी तो हम यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर अभी रह गया हमारा, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट से पहुँचते हैं और देखते हैं भाई ट्रेवर भी खुश हो जाएगा, बोलेगा यार ये क्या जबरदस्त सिटी होती है, क्योंकि सिटी तो बेसिकली हमने देखी हुई है सिटी किस तरीके से होती है, आप भी दे यानी कि सिटी के अंदर रह रहे हो और मैं भी सिटी के अंदर रह रहा हूँ, तो हमें तो मालूम है सिटी किस तरीके की होती है, और बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो गाँव के अंदर भी रह रहे होंगे तो उन लोगों को भी मालूम है सिटी किस तरीके की होती है।
तो, लेकिन ट्रेवर को नहीं मालूम है, सबको मालूम है ट्रेवर को छोड़ के कि भाई सिटी किस तरीके की होती है। और अभी हम ट्रेवर को देखते हैं भाई क्या उसको एक्सपीरियंस होने वाला है सिटी को देख कर। I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert. Excuse me, man. Best part of the state. तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन के ऊपर पहुँच चुके हूँ और भाई फटाफट से अभी मैं उतरता हूँ और देखता हूँ भाई क्या इसके एक्सप्रेशन होने वाले हैं। और भाई देखो यहाँ से पूरा भाई पूरा शहर नज़र आ रहा है मेरे को, यानी कि पूरी एक सिटी नज़र आ रही है कि क्या कितना बड़ा ज़बरदस्त एरिया बना हुआ, सारी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। ओ भाई साहब ये देखो अभी असल दिखाया गया, ये देखो ओ तेरी भाई ये देखो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी सिटी है। You'll keep for another day or so, huh, old friend? You mother fucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! हो गया बोला भाई ऐसा होता है क्या, मतलब ये सिटी ऐसी होती है क्या? तो बोला गो टू द वेड्स, और अभी ये वेड्स जो अपार्टमेंट के अंदर लेकर जाने वाला है, और ये जो लिखा हुआ है ना पोजेंस अपार्टमेंट, तो गाइस इसी के अंदर ये बंदा रह रहा है जो इसको लोकेशन मालूम है। लोकेशन बेसिकली मेरे को मालूम नहीं, लोकेशन वेड्स को मालूम है। तो हमें वैसे इनने लोकेशन बता दी कि इस जगह पर मेरे को जाना है, तो गाइस फटाफट से हम पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद भाई उसकी खैर नहीं है, ये पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा था इसने, जब मेरी जिंदगी आराम कर दी थी, अभी जाके इसकी मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना, तो देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him to a deep pit of doubt and despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust. And he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll tits. So she could make more money stripping. Maybe a little on the side without call work. But you didn't hear that from me. Wow. And then she pushed out a pair of little trolls. And the big bad troll under the bridge went soft. Oh. Oh. We're near Flood Tap. I seen it on iPhone maps. I'll give you directions. Keep it straight now. This one's a right. हो चुके हैं। और भाई ये देखो कोजेंस अपार्टमेंट हमारा आ चुका है। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये पूरी कोजेंस अपार्टमेंट है, और इसके अंदर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, यानी कि अलग अलग लोकेशन के अंदर अलग अलग रूम बने हुए हैं इसके अंदर, तो हर किस्म का इसके अंदर बंदा रह रहा है। तो एक अपार्टमेंट इसके अंदर, यहाँ पर भी वेड अभी जा रहा है, और देखते भाई गेट बजाते हैं, देखते क्या सीन होने वाला है यहाँ पर। तो गाइस बोला फॉलो वेड, अभी वेड को फॉलो करते हैं। और गाइस देखा शेर के अंदर ड्राइविंग करने का मतलब क्या है, मतलब एक्सप्रेशन था इसका। ट्रेवर काफ़ी ज़्यादा ठोक रहा था यहाँ पर आने के बाद, जो है ना इसने फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करी है ना, वो तेरी भाई साहब तो खोल नहीं रहा था गेट। ये जो भाई गैंग का जो बंदा है ना असल में, जो पूरी गैंग को कंट्रोल कर रहा था, अभी इसकी कुट लगाने वाला है, देखते भाई क्या सीन होने वाला है। अबे यहाँ पे आके तो बदमाशी कर रहा ट्रेवर। अच्छा ट्रेवर जो सोफे पे बैठ के चेक कर रहा, मतलब क्या, मतलब शेर के अंदर क्या किस तरह अच्छे तरीके से, यानी कि सोफे होते हैं महंगे वाले, मोस्ट एक्सपेंसिव जो यहाँ पे सोफे वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे शेर के अंदर जो घर बना हुआ काफी ज्यादा जबरदस्त बना हुआ, इसके घर के अंदर जो सामान वगैरह रखा हुआ ये भी काफी अच्छा लग रहा है इसको यार। और लड़ा भाई इसको लड़ा। Thank you.
तो गाइस ये घर जो है ना इसने अपना बना लिया, इसने जो है इसको छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बदले के अंदर इसने एक घर मांग लिया और हमें एक गैरेज मिल गया जहाँ पे हम अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी हमारा राज हो चुका है। तो गाइस ये था आज का हमारा मिशन। गाइस ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो का तो लाइक और चैनल का तो सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।